बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन लगता है सलमान की ये फिल्म लोगों के दिलों में वो छाप नहीं छोड़ पाई है जो बजरंगी भाईजान और सुल्तान को देखकर हुआ था। दरअसल सलमान की ये फिल्म क्रिटिक्स को कोई खास पसंद नहीं आई है। वहीं हाल ही में जब सलमान से एक बातचीत में पूछा गया कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को अच्छी रेटिंग नहीं दी है, तो इस पर भाईजान का जवाब सुन आप भी हैरान हो जाएंगे। सलमान ने कहा, मैंने तो सोचा था कि मेरी फिल्म को -3 या -4 रेटिंग मिलेगी, लेकिन क्रिटिक्स ने अच्छा किया, उन्होंने मेरी फिल्म को 1 से 1.5 स्टार दे दिए हैं। खैर, सलमान की इन बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो क्रिटिक्स पर ताना मार रहे हैं। सलमान ने ट्यूबलाइट के बारे में बात करते हुए कहा, ये एक इमोशनल फिल्म है जो कठोर दिल वालों की आंखों में आंसू ला देगी, इसलिए हो सके तो आप अपने पूरे परिवार के साथ थिएटर जाएं। आपको बता दें कि सलमान की फिल्म को ईद पर हमेशा ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, लेकिन ट्यूबलाइट थोड़ी धीमी चाल चली है, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद की जा रही है कि फिल्म को ईद के दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।